नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बच्चों के मन से पुलिस का डर दूर करने और उनसे दोस्ताना व्यवहार करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा बच्चों के बीच में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया। बक्सवाहा के हायर सेकेंडरी स्कूल में वहां के थाना प्रभारी आर्यन तिवारी द्वारा बच्चों से बातचीत की गई और उन्हें बताया गया कि वे किस तरीके से पुलिस से सहयोग ले सकते हैं और पुलिस उनकी मददगार बनकर साबित होगी। इस मौके पर बच्चों ने भी काफ़ी सवाल किए और उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए बताया कि अगर लड़कियों को रास्ते में चलते हुए कोई छेड़खानी करता है या अन्य किसी तरह की परेशानी है तो वे उनकी मदद को हमेशा तैयार होंगे। इस मौके पर एक छात्रा ने कहा कि कन्या हायर सेकेंडरी में बाहर से आए हुए कई लोग इस यूं ही घूमते रहते हैं जिससे लड़कियों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस मामले को भी उन्होंने देखने की बात कही। इसके अलावा बच्चों ने कई सवाल पूछे जिनका थाना प्रभारी ने जवाब दिया। हमारे स्कूल में यह समस्या है कि यहाँ के आदमी आते हैं और यहाँ बाथरूम करके चले जाते हैं देहात के गांव के गेट के बाहर के, और कोई मैम आपके स्कूल ग्राउंड में स्कूल के अंदर आ जाते हैं, ग्राउंड में भी आ जाते हैं, जिसको जहाँ बाहर नहीं जाता बाहर भी हैं, लेकिन कोई बाहर जाता है तो कोई अंदर भी आ जाता है, गेट के बाहर के भी आते हैं, बाहर भी बनी हुई। आप लोग आपराधिक गतिविधि हमारी बेटियों के साथ समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से पता चलता है, उससे हम ये संदेश देना चाहते हैं, भली हमारे क्षेत्र में कोई घटना ऐसी ना हुई हो फिर भी भविष्य में ना हो, इसलिए हम अपनी बेटियों को और अपने स्टाफ को और जनता को सतर्क करना चाहते हैं। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।